ऐसे ही गुरुदेव श्री को जब समय सार मिला तो घंटों घंटों उसको पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, ऐसी आवाज नहीं निकली आतो अशरीरी तवानु शास्त्र छे। ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, अशरीरी होने का शास्त्र करना है, लेकिन प्रश्न है कैसे, कैसे निर्णय करूं मैं परमात्मा हूं इसके अभ्यास से। इसलिए जब भी आपको कोई ये कहे ये समय सार किसके लिए है, ये समय सार सबके लिए है। कल मैंने परसों शायद मैंने कहा था, मैं ये कहता हूं ये समय सार आया कहां से, आप सिर्फ इतना जवाब दे दो। जो है ये सोनगढ़ से आया, ये जयपुर से आया, ये सागर से आया, ये कारंजा से आया, और ये लिखा किसने, लिखा किसने, लिखा किसने, तो फिर अलग अलग आपको अनुवादक दिखेंगे, इसके अनुवादक अलग हैं, इसके अनुवादक अलग हैं, ये पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब की वचनिका है, ये डॉक्टर हुकुमचंद बारिल साहब की गायक भाव प्रबोधिनी है, ये परमेष्ठी दास जी का हिंदी अनुवाद है, और अब्जयसेनाचार्य ने लिखी है टीका इसकी, अमरचंद्र आचार्य ने लिखी है टीका, अमरचंद आचार्य से पूछा महाराज आपने बनाया है समय सार, अमरचंद्र आचार्य कहते हैं मोह में मत नाचो। अक्षरों से शब्द बन गए, शब्द से वाक्य बन गए, वाक्य से पद बन गए, पद से गाथाएं बन गई, मैं इनका कर्ता नहीं हूं, ये सब है पुद्गल को खेल, इन सोना ही हमारो मेल। ये जवाब आया, फिर प्रश्न हुआ किसका है, तो कुनकुन महाराज से पूछो, कुनकुन महाराज के पास गए, महाराज आपने बनाया समय सार, बताओ कुनकुन महाराज क्या जवाब देंगे, कहां भैया ये तो तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में आया है, तो जिम्मेदारी के साथ सबको सोचना चाहिए कि तीर्थंकर की वाणी किसको सुनना चाहिए और किसको नहीं सुनना चाहिए। क्या ऐसा बैरियर वहां है, क्या ऐसा सर्टिफिकेट पास वहां बट रहे थे समोसरण के बाहर कि तुम अभी दो घंटे बाद आना, अभी समय सार चल रहा है, वहां मनुष्य लोग सुन रहे हैं, वहां त्रेंच गति के जीव भी खुले मन से धर्म श्रवण कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं। और यहाँ मनुष्यों को जिन्होंने समयसार पढ़ा भी नहीं होगा ना, वे भी समयसार पे ज्ञान दे रहे हैं कि समयसार नहीं पढ़ना चाहिए, इससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है जो बिना पढ़े ये कह रहा है कि नहीं पढ़ना चाहिए। परिणाम है, अपनी अपनी गतियां हैं, हमें किसी के परिणामों से नहीं उलझना है, ये समयसार तो सुलझाने के लिए बना है। मैं इतनी बात तो इसलिए कह रहा हूं, आप कहीं उलझ मत जाना, और दबदबे में तो बिल्कुल ही मत आना कि 2000 की सभा में कोई बोल रहा होगा तो सच होगा, और 5000 की सभा है तो और ज्यादा सच होगा, या कोई पैंट शर्ट में कह रहा होगा तो कम सच है, और कुर्ता पजामा पहन के बढ़िया प्रेस करके बैठ गया है तो ज्यादा सच होगा, और आजू बाजू पीछे कमंडल रख लूं तो और सच निकलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जगह सत्य आपकी अनुभूति में जो सटीक आ रहा है, युक्ति के अवलंबन से, आगम के सेवन से, पर अपर गुरु के उपदेश से, वह परमार्थ सत्य है, और वह सत्य समय सार में वर्णन है। समय सार कहां से आया, अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रहा श्री सर्वज्ञ देवहा, इसके मूल ग्रंथ कर्ता जो हैं वे सर्वज्ञ देव हैं, और सर्वज्ञ देव की वाणी किसको सुनना चाहिए, किसको नहीं सुनना चाहिए, श्रावकों को सुनना चाहिए, श्राविकाओं को नहीं सुनना चाहिए, मुनराजों को सुनना चाहिए, त्रेंचों को नहीं सुनना चाहिए, ऐसा भेद तीर्थंकर की वाणी में नहीं है। जाति पंथ संप्रदाय लिंग कोई भेद तीर्थंकर की वाणी में आते नहीं है, वेद तीर्थंकर की वाणी तो सर्वोदयी वाणी कहलाती है, सबका कल्याण करने वाली वाणी कहलाती है, उनके लिए तो हम मंगल भावना